नमस्कार साथियों, मैं हूं आरके गुप्ता। एमईजी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत एवं बहुत बहुत अभिनंदन है। आइए हम लोग टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन नंबर 33 व 34 को सॉल्व करने वाले हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि 40 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करके 40 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करके प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करके एक कार्य को 60 दिनों में कर सकते हैं तो 25 व्यक्ति प्रतिदिन 12 घंटे काम करके उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे, मान लीजिए एक्स दिनों में कर सकेंगे। क्वेश्चन में दिया गया कि 40 व्यक्ति रेगुलर अगर 10 घंटे काम करते हैं तो कार्य को 60 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो 25 व्यक्ति अगर रेगुलर 12 घंटे काम करते हैं तो उनके द्वारा कितना दिन लगेगा। तो आइए इस क्वेश्चन को बारी बारी से एनालिसिस करते हैं कि ध्यान दीजिएगा, पहले हम मैन का डे से एनालिसिस करेंगे। 40 व्यक्ति अगर काम को 60 दिनों में कर सकते हैं, कोई काम है उसे 40 व्यक्ति 60 दिनों में कर सकते हैं, तो 25 व्यक्ति उस काम को अधिक दिन में करेंगे या कम? तो व्यक्तियों की संख्या कम हो गई, इनके द्वारा क्या होगा, समय अधिक लगेगा। अब कोई चीज़ अधिक कब आता है, जब हर का मान क्या होता है, छोटा होता है। यहाँ पे 40 और 25 में छोटा मान कौन सा है, 25। तो 25 को कहाँ रखा जाएगा, हर में, और 40 को अंश में। अब हम आवर का डे से एनालिसिस करेंगे। अगर रेगुलर 10 घंटे काम होता है, रेगुलर अगर 10 घंटे काम हो रहा है तो काम 60 दिन में हो रहा है। अगर रेगुलर 12 घंटे काम होगा तो कार्य कम दिन में होगा या अधिक? तो जब 12 घंटे रेगुलर काम होगा तो काम क्या होगा, पहले से कम दिन में होगा, पहले से कम समय में होगा। तो कम कोई चीज़ कब होता है, जब हर क्या होता है, बड़ा होता है। तो 10 और 12 में बड़ा मान कौन सा, 12, 12। 12 को कहाँ रखा जाएगा, हर में, और 10 को अंश में। अब जो चीज़ हमें ज्ञात करना होता है उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। डे हमें ज्ञात करना, डे दिया गया 60। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये कट जाएगा, 5 × 2 = 10, 5 से काटिएगा, 5 × 5 = 25, फिर 5 से 40 कट जाएगा, 5 × 8 = 40, 12 × 5 = 60। तो ये हो जाएगा कितना, 8 × 2 = 16, 16 × 5 = 80 दिन, 16 × 5 = 80 दिन। तो साथियों इसका आंसर क्या होगा, 80 डेज होगा। या हम लोग इसको दूसरे तरीके से भी करते हैं, दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमें पता है कि M1 D1 H1 = क्या होता है, M2 D2 H2। M1 D1 H1 = M2 D2 H2 होता है। हमें याद करने का शॉर्टकट तरीका है MDH मसाला का ऐड, सभी ने देखा होगा। MDH मसाला को याद रखेंगे तो उससे याद रहेगा हमें M1 D1 H1 = क्या होता है, M2 D2 H2। M1 की वैल्यू क्या दी गई है, 40। D1 हमारा क्या है, 60। H1 क्या है, 10। M2 क्या है, 25। D2 हमें फाइंड आउट करना है, D2 को मान लीजिए X है, H2 क्या है, 12। यहाँ पे देखिए 12 से 60 डिवाइड हो रहा है, 12 × 5 = 60। 5 इसे काट दीजिए, 5 × 5 = 25, 5 × 2 = 10, 5 से 40 कट जाएगा, 5 × 8 = 40। तो यहाँ पे X की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 × 5 = 40 × 80 दिन, 8 × 5 = 40 × 80 दिन। तो मित्रों इसका जवाब क्या होगा, 80 दिन होगा। आइए इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। 40 व्यक्ति किसी काम को 10 घंटे रेगुलर करते हैं तो काम 60 दिन में होता है। कहा है कि 25 व्यक्ति अगर रेगुलर 12 घंटे काम कर रहे हैं तो इनके द्वारा कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा, दिया गया कि 40 व्यक्ति अगर 60 दिन में कोई काम कर रहे हैं तो 25 व्यक्ति क्या होगा, इनके द्वारा समय क्या होगा, अधिक लगेगा। तो अधिक कोई चीज़ तब होता है जब हर का मान क्या होता है, छोटा होता है। तो यहाँ पे छोटा मान कौन सा, 40 और 25 में 25, 25 को हर में रखा जाएगा, 40 को अंश में। अब देखिए आवर का डे से एनालिसिस करेंगे। अगर 10 घंटे रेगुलर कोई काम हो रहा है तो काम 60 दिन में हो रहा है, 12 घंटे अगर रेगुलर काम होगा तो काम क्या होगा, कम दिनों में होगा या अधिक, कम दिनों में होगा। क्यों, क्योंकि समय यहाँ पे बढ़ गया, इनके द्वारा डे क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो यह कोई चीज़ कम कब आता है, जब हर का मान अधिक होता है। तो यहाँ 12 और 10 में बड़ा मान कौन सा, 12, 12 को हर में रखा जाएगा, 10 को अंश में, और मल्टीप्लाइड बाय डे कर देंगे, डे कितना है, 60। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या होगा, 80 डे हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 80 दिन हो जाएगा। या इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं।
M1 D1 H1 इज इक्वल टू क्या होता है M2 D2 H2 होता है। M1 की वैल्यू 40 दी गई है, D1 हमारा क्या है 60, H1 क्या है 10, M2 क्या है 25, D2 हमें पता करना है तो इसको X मैंने मान लिया, H2 कितना है 12 से ये डिवाइड हो जाएगा 12 × 5 = 60, 5 इसे काट दीजिए 5 × 5 = 25, 5 × 2 = 10, अब इस 5 से 40 कट जाएगा 5 × 8 = 40, तो इसका गुणा करिएगा 8 × 5 = 40 × 80 दिन, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होगी 80 डेज होगी। तो मित्रों हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन का सलूशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 8 पुरुष एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, 6 दिन काम करने के पश्चात 4 पुरुष काम पर लगाए जाते हैं, 4 पुरुष और काम पर लगाए जाते हैं, तो शेष काम कितने दिनों में समाप्त होगा। यहाँ पे देखिए शेष काम पूछा गया, शेष काम तो देखिए 8 पुरुष का, 8 पुरुष अगर काम को 12 दिन में करते हैं, 8 पुरुष जो है काम को 12 दिनों में करते हैं, तो जब इन्होंने 6 दिन काम कर लिया है, तो इनका शेष काम क्या होगा, तो 8 पुरुष का शेष काम कितना होगा 8 × 6, चूँकि हम जानते हैं कि वर्क क्या होता है एफिशियंसी इंटू टाइम, तो 8 पुरुष का शेष काम कितना होगा 8 × 6 होगा, क्योंकि 6 दिन काम हो चुका है, तो 12 में से 6 को माइनस कर देंगे तो डे कितना बचेगा 6, तो 8 पुरुष का शेष काम कितना होगा 8 × 6। अब क्या करा, 4 पुरुष और काम पे लगाए जाएं, 4 पुरुष और काम पे लगाए जाएंगे, अब पुरुष कितने हो जाएंगे 8 × 4 = 12 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 12, तो इनके द्वारा समय कितना लगेगा, तो मान लीजिए इनके द्वारा समय कितना लगता है एक्स, तो इनका वर्क क्या होगा आपस में बराबर होगा, इनका वर्क क्या होगा आपस में बराबर होगा। यहाँ पे देखिए 4 से कट जाएगा, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, अब 6 भी 3 से कट जाएगा, 3 × 2 = 6, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, तो हमारा आंसर क्या होगा साथियों 4 डेज होगा। तो साथियों हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक जरूर करिएगा और बेल आइकन वाली बटन को जरूर प्रेस करिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद जय भारत।